जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपको CISF ASI भर्ती और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती के बारे में हाइट के जानकारी देने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स को कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उनके हाइट में कितनी छूट उन्हें मिलेगी। और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी को इसमें छूट मिलने वाली है और आपको इसमें हाइट में छूट लेने के लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेट या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जिससे कि आपको हाइट में एक्यूरेट छूट मिल जाए। तो आज की वीडियो इसलिए आप पूरी देखिए जिससे कि आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CISF ASI भर्ती और हेड कॉन्स्टेबल भर्ती के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर उनकी हाइट कम है, क्या वे इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने उन्हें बताया है कि आप अपने फॉर्म को भर दीजिए और अगर आप स्पेशलाइज्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी दी जाएगी। तो इसलिए हमने उनके लिए यह वीडियो अलग से बनाई है। तो साथियों, हम इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो इसमें नॉर्मल हाइट यानी कि जो सभी कैंडिडेट्स की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो ये तो ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रखी गई है, लेकिन यदि आप किसी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी जैसे कि OBC, SC, ST या EWS से हैं, उन कैंडिडेट्स के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या उन्हें हाइट में छूट दी जाएगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें हाइट में छूट दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि यदि आप गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी आप ये सभी यहाँ पर स्टेट देख सकते हैं, यदि आप इनमें से किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है, और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि मेल कैंडिडेट को 3 सेंटीमीटर की छूट दी गई है और फीमेल्स को 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ये जो स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं केवल ये इन्हीं कैंडिडेट्स के स्टेट वालों को दिया जाएगा। इसके बाद इसमें सेकंड जो कंडीशन दी गई है वो है शेड्यूल ट्रिबर्स के लिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट भी यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। तो यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट इसमें दी जाएगी। और साथियों, यदि हम बात करें OBC, SC या फिर EWS कैंडिडेट्स की, तो उन्हें यहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलने वाली, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी हाइट इसमें कितनी होनी चाहिए और किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ही आपको छूट दी जाएगी, और यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसा कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे तो ही आपको इसमें छूट दी जाएगी। अब साथियों, हम बात करते हैं कि हाइट में छूट लेने के लिए आपको जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने होंगे। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, यदि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल यानी कि अपना मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, और यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना होगा। केवल ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लगाने हैं, इन्हीं से ही आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। और साथियों, इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।